तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो इन्हीं सैंपल पेपर के आधार पर बनाए जाते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में जो कि सीधे सीधे आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर से उठा कर ही रख दिए जाते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी ने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया और समझ लिया, तो आप ये समझिएगा कि आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से हो जाएगी। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज जिसे हम देखने वाले हैं यह आपकी एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहां से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड ने कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का जारी किया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। अब चलेगा, जल्दी से इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न एक में प्यारे विद्यार्थियों आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, 3 स्तर होते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश माध्यम के बच्चे हो तो यहाँ से ये लिख लें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो है ना, F.W. Taylor है। यहाँ से आप सब लोग इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते जानते और समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 1991 में भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। तो इसका उत्तर ये आ जाएगा। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों तो यहाँ से इसे नोट कर लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न का नियोजन से संबंध नहीं है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, बजट कार्यक्रम कार्यविधि या अभिप्रेरणा। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अभिप्रेरणा। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, पाँचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्न संगठन स्वतः निर्मित होते हैं, कार्यात्मक, विभागीय, औपचारिक या अनौपचारिक। तो देखो पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनौपचारिक संगठन। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्न संप्रेषण अंगुल लता के समान होते हैं। तो देखो छठे का जो राइट आंसर होगा ना, वो आपका आ जाएगा अनौपचारिक संप्रेषण अंगुल लता के समान होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, रिक्त स्थान पूर्ति इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों को देख लेंगे। अब रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा प्रबंध एक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रबंध एक देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। क्या लिखोगे यहाँ से, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था श्रमिक। क्या था, श्रमिक। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नियम स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, नियम किसे स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, अनुशासन। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, औपचारिक संगठन में के मध्य संबंध स्पष्ट कर दिए जाते हैं। तो देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है ना, कर्मचारियों के, क्या लिखोगे यहाँ पे, कर्मचारियों के संबंध स्थापित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का एक भाग है। तो देखो नेतृत्व किसका भाग है, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है। क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रबंध। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें, वास्तविक प्रगति एवं के अंतर को विचलन कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना निर्धारित प्रमाप। क्या लिखोगे, निर्धारित प्रमाप के विचलन के अंतर को क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को पढ़ लें। पहला क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है। तो देखो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, पूंजी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य होगा। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 1 वर्ष के लिए होता है। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन,
उत्पाद विपणन मिश्रण का एक तत्व है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, उपभोक्ता की शिकायतों के लिए चार स्तरीय न्यायिक व्यवस्था की गई है। तो पांच नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यह असत्य हो जाएगा क्योंकि त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सहकारिता प्रबंध का मुख्य कार्य है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को देख लेना है और पूरा इनको समझ भी लेना है। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम आगे जोड़ी को देखते हैं कि जोड़ी आपसे किस प्रकार से पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। तो देखो जोड़ी का मिलान कैसे करना है, पहले लिखा नियुक्तिकरण। तो देखो नियुक्तिकरण की जोड़ी आपकी किससे मिल जाएगी, आप सब लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब हम यहाँ से जोड़ी का मिलान देखेंगे। तो देखो जोड़ी मिलान में पहला दे रखा नियुक्तिकरण। तो देखो नियुक्तिकरण की जोड़ी का मिलान आपको इससे कर लेना है। और उसके बाद में साक्षात्कार दूसरे नंबर पर जो दे रखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका ई नंबर से हो जाएगा। मौखिक जाँच भाव में स्त्रोत तीसरे नंबर पर जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। पदोन्नति चौथे नंबर पर जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान जी से कर लेना है। और पाँचवें पर जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपका ए से हो जाएगा। और छठे नंबर पे जो दे रखा आपको, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग बी से कर लें। और सातवें पे जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। तो ऐसे आप सभी लोग यहां से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर पाँच को देखते हैं, समझते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर पाँच में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको पढ़ लें और अच्छे से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रबंध का स्तर जिसमें कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसको कहते हैं निष्पादन मूल्यांकन। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग लिख लें निष्पादन और आगे मूल्यांकन इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे, निष्पादन मूल्यांकन इसको कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निर्देशन के चार तत्व होते हैं, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना कितने चार तत्व होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना है, मूल कारणों को निर्धारित करना। क्या करना, मूल कारणों को निर्धारित करना, मूल कारणों को निर्धारित करना इसका कारण होगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रुटियाँ तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, इसका पता विश्लेषण के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा, विश्लेषण के द्वारा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर चालू संपत्तियाँ तथा चालू दायित्व के अंतर को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या लिखोगे आप लोग, देखो चौथे का उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था, इसको त्रुटियों का पता लगाने की कमजोरी इसको क्या कहते हैं। तो देखो इसमें तो आपको लिखना था विश्लेषण। क्या लिखना था, विश्लेषण इसका राइट आंसर होता। और उसके बाद में पांचवे जो क्वेश्चन लिखा है ना, पांचवे नंबर का, यहाँ पर आपको लिख लेना वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं इसको, वर्किंग कैपिटल इसका राइट आंसर होगा, वर्किंग कैपिटल। यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको। उसके बाद में छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होगा। तो देखो छठे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाभ या नियोजन। क्या कहते हैं इसको, लाभ या फिर नियोजन इसे कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे, लाभ या नियोजन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 दिसंबर 1986 को। कब पारित किया गया था ये, 24 दिसंबर और 1986 को ये पारित किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लेंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के क्वेश्चन आपके आगे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। सभी के सभी इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से देख लो इनको और पूरा का पूरा समझ लोगे। ए टू जेड क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे कैसे पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 11 ये लिखा है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। ए टू जेड क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेंगे। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, 21 ये लिखा है, 22 ये दिया गया है और 23 ये दिया गया है। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लोगे। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से मैंने आप सभी को कक्षा 12 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।